बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। वो जरा वो देखो, रेगिस्तान में बारिश। मैं तो रेगिस्तान में फोटोग्राफी करने आई थी। हाँ, पर आई होप तुम अपना वाटरप्रूफ कैमरा साथ लाई हो। हमें वापस चलना चाहिए, मौसम खराब लग रहा है। चलो भी यार, मजा आएगा, धमाल करेंगे। अरे घबराओ मत, बस जरा सी बारिश है डोना, क्या कहते हो दोस्त? चल यार। डेविड रुको प्लीज। ओह मैन, अरे बाप रे, ये क्या है? ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। वो पानी सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। चल यार निकल यहाँ से। चालीस दिन की लगातार तेज बारिश से इस धरती पर एक ऐसा तूफान आएगा जो इंसान और इंसान की बनाई हर चीज को तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है पैसिफिक ओशन से। यह तूफान जापान, चीन और भारत को तबाह करके आगे बढ़ रहा है। लोग इस तूफान से अपनी जान बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस धरती का विनाश पानी से होगा, पानी से होगा। उन्हें सारी जानकारी अभी भेज दो, मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता। हम वापस कभी नहीं आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो हमें जरूर वापस भेजेंगे और कहेंगे कि हम गलत जगह पर गए थे। मैं जीपीएस डेटा के साथ फोटोग्राफ्स भी भेज रहा हूँ, उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ओके, नाउ आई एम सेंडिंग इट। ऑलराइट, हो गया काम। ओके, डेटा गया, चलो देखते हैं। चलो दोस्तों, काम हो गया, चलो। कैप्टन, कुछ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से रडार पर भी कुछ नहीं दिख रहा, प्लेन नीचे लेते हैं। अरे देखो वो क्या है, ऊपर लो, ऊपर लो। Thank you. ये मजाक का वक्त नहीं है टिसा,
तुम इतने स्ट्रेस्ड लग रहे हो कि यही मजाक का वक्त है। चलो। कहाँ चलो, मुझे अभी यहाँ ध्यान देना है। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के लिए 15 मिनट नहीं है? इतना बिजी रहना भी बहुत ही बुरी बात है सर। ओके ठीक है, 15 मिनट बस उतना ही, समझ गए? यस सर ल्यूटेनेंट। तो चलो। चलो भी। हम जा कहाँ रहे हैं? देख लेना, एक सरप्राइज है। क्या अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी? हाँ हाँ। तो क्या हो गया, इतना भी मुश्किल नहीं है। वाओ, ये तो वाकई सरप्राइज है, खास तुम्हारे लिए। दूसरे कपल्स इसे डेट कहते हैं। हमें एक साथ बैठकर खाना खाए कितना वक्त हो गया, हम दोनों कितने बिजी हो गए हैं। तुम अपने टर्बाइन डिजाइन में, मैं अपने लैब में। मुझे लगता है एक साथ वक्त बिताना भी जरूरी है, खासकर अब जबकि हमारा जॉन। देखो, ये क्या? इस तूफान को आने में तो एक हफ्ता बचा है, ये इतना जल्दी कैसे आ गया? लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। जो भी हो, हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो सबको ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा करते। हाँ, चलो। आप सब जानते हैं कि अभी हम भयानक तबाही की कगार पर हैं। देखिए, यह है सेंट्रल अफ्रीका, जो कभी रेगिस्तान हुआ करता था, अब वो एक समंदर बन गया है। वो तूफान इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट से शुरू हुआ है, पर उसके बाहरी बैंड्स हम तक पहुंच भी गए हैं। इस वक्त तो बहुत ही हल्की बारिश हो रही है, पर तूफान के बढ़ने से वो बहुत ही भयानक बौछार में बदल सकती है। अभी बारिश 2 इंच प्रति घंटे के हिसाब से हो रही है। पर हमें तो कहा गया था कि तूफान का असर 2 हफ्ते बाद दिखाई देगा, फिर ऐसा कैसे हो गया? वो बढ़ता जा रहा है बहुत ही ज्यादा रफ्तार से। सही कहा डॉक्टर निकल्स, तूफान हर दिशा में करीब 200 मील की रफ्तार से बढ़ रहा है हर दिन, और उसके धीमे होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अभी तक हासिल हुई जानकारी के मुताबिक 5 हफ्तों में वो पूरे ग्रह पर छा जाएगा। कॉर्पोरल। जी सर। मुझे तूफान के लेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, अभी निकालता हूं। ये लीजिए सर। तीन साल के प्रोजेक्ट का ये दूसरा साल है और आप हमें आग को पूरा करने के लिए 35 दिन दे रहे हैं। शुक्र मनाओ कि हमें इतना वक्त भी मिल रहा है। नेवी वालों की वजह से हमें जिंदा रहने का मौका मिल रहा है। पर आर्क में अभी क्या क्या करना बाकी है? हमें मेटल शील्डिंग का काम करना है, इंटीरियर्स बाकी है, प्रोपेलर्स भी लगाने हैं और टर्बाइन्स का काम भी बाकी है। राइट। आज सुबह उसका डिजाइन तैयार हो गया है सर। और आपका डिपार्टमेंट डॉक्टर निकल्स, उन डीएनए कलेक्टर्स का क्या हुआ? वो नहीं आए हैं। मेरे पास सीड बैंक और पर्सनल स्लाइड्स हैं, पर ज्यादातर सैंपल्स डेनवर की एक डीएनए लैब में संभाल के रखे गए हैं, जब तक कि हम उन्हें कूलिंग यूनिट्स में ना डाल दें। ठीक है, सबसे पहले आप उन सारे सैंपल्स को यहाँ मंगवाने का इंतजाम कीजिए। एक मिनट रुकिए जरा। बाकी की आग साइट्स, वो तो टर्बाइन बनाने के लिए मेरे स्कीमेटिक्स का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास तो प्रोटोटाइप भी नहीं है। देखो जॉन, ये तो तय है कि बाकी आग्स वक्त पर पूरे नहीं हो पाएंगे। अब हमें सब कुछ फिर से सोचना पड़ रहा है। पर कोशिश तो कर सकते हैं। देखो, इस बढ़े हुए टाइमलाइन की वजह से हम एक नया प्लान बना रहे हैं, और मुझे लगता है एक हमारा आग ही वक्त पर पूरा हो पाएगा। क्या? क्या? आपका मतलब हमारे 90% लोग और पैसेंजर्स नहीं बचेंगे? देखो मैडी, सारे पैसेंजर्स आग के पास जमा होंगे, फिर वहाँ लॉटरी निकाली जाएगी,
कुल मिलाकर 300 लोगों को यहाँ लाया जाएगा। लेकिन हमारी फैमिली की सुरक्षा का वादा हुआ था। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, वो तो आ पाएंगे ना? मेरे पेरेंट्स जो मिनियापोलिस में हैं और इनकी मॉम। अब हालात बदल गए हैं। मैंने तुम्हारी फैमिलीज को यहाँ लाने का इंतजाम तो किया है, पर इतने खराब मौसम को देखते हुए सभी का बच पाना मुश्किल है। पब्लिक को इस बारे में क्या कहा गया है? यही कि ये एक बहुत बड़ा तूफान है। एडमिरल, लाओ दिखाओ लेफ्टिनेंट। तूफान का सेंटर पॉइंट ईस्टर्न सीबोर्ड से 400 मील दूर है। कोस्ट से 400 मील दूर? ये तो कुछ ज्यादा ही करीब आता जा रहा है। इसका मतलब 3 हफ्तों के अंदर तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। उसकी रफ्तार तो सचमुच बढ़ती जा रही है सर। तो काम पर लग जाओ। ओके, डिसमिस्ड। एडमिरल, वो टर्बाइन के प्लान्स, जानता हूँ ये नामुमकिन सा लगता है, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं लेफ्टिनेंट। पर आपका जमीर क्या कहता है सर? ठीक है, मैं उसे भेज दूंगा, पर 24 घंटों में ये देश डूब जाएगा। मैंने अपना काम कर लिया है, तुम अपना करो। डिसमिस्ड। चलो। क्या है यार? अरे हमें ब्रिज पर जाने दो। तूफान आ रहा है, वो हमेशा ब्रिज बंद कर देते हैं। हमें अभी घर पर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं। हाँ ब्रैड, यहाँ बहुत खतरा है। खतरा तो हर तरफ है, पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। हमने और इंतजार किया तो शायद जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अरे अरे अरे, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम? सबको बचा रहा हूँ। अगर ये पागलपन है तो देखो वो सब हमारे पीछे नहीं आ रहे होते। चलो चलो चलो, भगाओ, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। निकल्स, 10 मिनट पहले ट्रेन से खबर आई थी, एक लैंडस्लाइड ने उनका रास्ता रोक दिया है, वो नहीं आ सकते। वो कहाँ है? यहाँ से 35 मील साउथ ईस्ट की ओर। रेबेका, सर, उससे भी बुरी बात ये है कि वो सैंपल्स कूलिंग टैंक्स में नहीं है। उन्हें सफर के लिए अच्छी तरह जमा दिया गया था, पर बहुत जल्द वो पिघलने लगेंगे और ऐसा हुआ तो वो खराब हो जाएंगे। मोटर पूल से कहो एक सी ड्रैगन और क्रू तैयार करें, और वारंट ऑफिसर मास्टर से कहो कि मुझसे वहां मिले। तो प्लान क्या है? किसी को उस ट्रेन पर जाकर उन सैंपल्स को लाना होगा। वारंट ऑफिसर मास्टर्स नेवी की बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक है, वो उन्हें ला सकती है। माफ करना सर, लेकिन वो सैंपल्स वो नहीं ला सकती है। उस ट्रेन में 6 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज के सैंपल्स हैं, वो सारे एक सी ड्रैगन में फिट नहीं होंगे। वो सारे के सारे सैंपल्स जरूरी नहीं है, और वहाँ जाने वाले को पता होना चाहिए कि कौन से लाने हैं। उसे नहीं पता होगा कि मौत की 1,60,000 स्पीशीज में से कौन सी एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाने के लिए जरूरी है। आपका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। आप जाइए, वो सैंपल्स लीजिए और जल्दी वापस आ जाइए। मेरी बात समझ गई? समझ गई सर। ओके। मास्टर्स, इनसे मिलो, ये है डॉक्टर टेसा निकल्स। चलो चलें। ठीक है मास्टर्स, ध्यान से सुनो, एक ट्रेन है जिसमें डीएनए सैंपल्स हैं।
वो लैंडस्लाइड की वजह से एक ब्रिज पर रुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर निकल्स को उस ट्रेन पर पहुंचाओ और उन सैंपल्स को इकट्ठा करने में इनकी मदद करो और काम होने के बाद इन्हें वापस सही सलामत यहाँ ले आओ। पूरी बात समझ गए? यस सर। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द लौट आओ। ये तूफान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है अभी तो फिर भी सेफ लग रहा है, पर अगले 30 मिनट में बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गई? यस सर। ओके, गुड लक टू यू। टेसा, टेसा, मैं हेलीकॉप्टर में हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डीएनए बैंक लाने वाली ट्रेन रास्ते में फंसी हुई है, मुझे वहाँ जाना होगा। तुम क्यों? कोई और नहीं जा सकता? जॉन, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, अपना ख्याल रखना, हम दोनों को जिंदा रहना है, हम सभी को। फिक्र मत करो। आई लव यू टू। बाय। मैं कुछ चीजें लाने के लिए अपने ऑफिस जा रहा हूँ। सेटअप चेक कर लो, देखना कि मेरे लौटने तक सब कुछ तैयार हो। यस सर। एक मिनट, देखती हूँ किसका फोन है। देख लो। हाय। हाय। अच्छा सुनो, इतने घबराए हुए क्यों? मेरी बात सुनो। आखिर बात क्या है? तुम कितनी जल्दी सेंट लुइस पहुंच सकती हो? वहां पर एक आर्क है, जाने के लिए लकी ड्रॉ होगा, तुम उसमें जरूर जाना। क्या? सामान बांधो और निकलो, बैग पैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस सेंट लुइस पहुंचो। लेकिन क्यों? ये तूफान, ये तूफान नॉर्मल नहीं है, समझे? और ये रुकने वाला नहीं है, अभी तो नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा। जल्दी करो। ओके। अभी निकलो, जाओ, किसी से मत कहना। हाँ हाँ ठीक है। ओके, आई लव यू। क्या हुआ? किसका फोन था? चेस का। अब उसने क्या कर दिया? उसने कहा कि हमें सेंट लुइस जाना होगा, कहा कि ये तूफान एक मामूली तूफान नहीं है और ये रुकेगा नहीं, कह रहा था कोई बोट है जो हमें बचा सकती है, हमें जल्द वहाँ पहुँचना होगा। सेंट लुइस यहाँ से 10 घंटे दूर है। और हम यहाँ सेफ हैं। मैं जानती हूँ, पर ओह माय गॉड, हमें चाबी लेकर आती हूँ। मैं अकेली को लाती हूँ। केली, I'm sorry, पर हमें जाना होगा। यार अमांडा, हम लोग बिजी हैं, डिस्टर्ब मत करो। तूफान बहुत बढ़ रहा है और हमें। ये बहुत ही नॉर्मल सा तूफान है अमांडा, डरना बंद करो। ये मजाक नहीं है, चेस ने फोन करके कहा हमें जाना होगा। तो जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। केली प्लीज, कम ऑन अमांडा, जाओ जाओ। ओह, सारा मूड खराब कर दिया। अरे यार, हम इस ट्रैफिक में ही फंस कर रह जाएंगे। सब लोग शहर छोड़कर जो जा रहे हैं, पर इस तरह तो कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अरे हाँ, मेरे अंकल के पास एक बोट है। तो क्यों ना हम बोट से मॉगन टाउन जाएं और दूसरी गाड़ी ले लें? पागल हो गए हो क्या? हमें तो पानी से दूर जाना है। इस वक्त हमें पिट्सबर्ग से बाहर निकलना है और इस ट्रैफिक में हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। वो बोट कहाँ है? बस थोड़ी ही दूर। ओके ठीक है, जैसा तुम कहो।
हम रेलवे लाइन के पास पहुंचने वाले हैं। देखो वो रही ट्रेन। कुछ सुन रही हो? हाँ, मुझे कुछ भयानक लग रहा है। लगता है जैसे कोई लहर बहुत तेजी से आ रही है। हाँ, वो ठीक हमारे पीछे ही है। ओह माय गॉड! हम बस पहुंचने वाले हैं। पकड़े रखो। Level 36.2 check. Pollinators और seed dispersers, इन सब में यही है क्या? हाँ, insects इंसानी जीवन के लिए जरूरी होते हैं। साल की 1/3 food supply तो हमें मधुमक्खियों की मदद से मिलती है। ये तीसरी बोगी है और अभी तक कुछ नहीं मिला। Engine start करो। क्या? लेकिन क्यों? मास्टर्स को खबर करो और उन्हें कहो कि जल्दी बाहर आएं। हेलो मास्टर्स। यस टायलर। आपको वहां से फौरन बाहर निकलना होगा। लगता है खतरा बढ़ रहा है। चलो, हमें और वक्त चाहिए। हमें वापस हेलीकॉप्टर पर जाना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। हमें उसमें कूदना होगा। क्या तुम कैनिस्टर्स के साथ कूद पाओगी? नहीं। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। नहीं। हमें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, लेफ्टिनेंट ट्रैविस को भी। वो गया तो जाने दो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये आँख खूबसूरत है, हाँ? इनसे मिलिए, लेफ्टिनेंट जॉन ट्रैविस। जॉन, यह है कैप्टन फ्रैंक ब्रिजेस और पेटी ऑफिसर ओट्स और पेटी ऑफिसर हाइम्स। नाइस टू मीट यू। ये लोग आग को चलाने वाले हैं। ये है मेरा असिस्टेंट चेस फ्रीमन। हेलो सर। आपने बहुत ही कमाल का वेसल डिजाइन किया है लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है? इसमें 50,000 लोग आ सकते हैं। और इस अद्भुत टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे चलाने वाले हैं? जी सर। ये काम कैसे करता है? वो टर्बाइन्स दो तरह की एनर्जी जनरेट करेंगे। पहले टाइप की एनर्जी है आग के बाहरी हिस्से या हल में स्लिट से टर्बाइन कंपोनेंट्स में बहने वाले पानी के बहाव से पैदा होने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी।
वो पूरे आग को चलाने के लिए काफी नहीं होगी, पर इस चीज से जनरेट होने वाली दूसरी प्रकार की एनर्जी के साथ मिलकर काम करेगी, जो है मोशन। जैसे जैसे लहरें आग को हिलाएंगी, टर्बाइन के ऊपर बना हुआ एक काइनेटिक बैलिस्ट उस एनर्जी को जमा करके उसे पावर सेल्स के एक बैंक में भेज देगा। फिर वो और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सारे इलेक्ट्रिकल और प्रोपल्शन सिस्टम को चलाने के लिए काफी होगी। न फ्यूल, न गैस, बस पानी और मोशन। ये दोनों आग के सूखी जमीन पर आ जाने तक खत्म नहीं होंगे। और टेस्ट कामयाब हुए हैं? हमने आज सुबह ही हाइड्रो इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए हैं जो कामयाब रहे हैं। और काइनेटिक बैलिस्ट? हम वही करने जा रहे थे सर, बैलिस्ट वेल्व्स को चला रहा हूं। लीजिए, इसमें कुछ सेकंड लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट का हिस्सा है ल्यूटिनेंट। सॉरी सर, लगता है पावर सेल्स के किसी एक कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट हो गया है। नहीं, नहीं हो सकता। मैंने जूल टू वॉट कन्वर्शंस को 3 बार चेक किया था, वो बिल्कुल सही थे। क्या आप एरर पहचान सकते हैं? हजारों कनेक्शंस है सर, एक बंद पड़ा तो सभी बंद हो जाते हैं, क्रिसमस लाइट्स की तरह। मुझे सबको बंद करना होगा। दूसरा बैलेंस तैयार करने में कितना वक्त जाएगा? दूसरा बैलेंस इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता सर। तो अब हम क्या करें? अगर एक दूसरा काइनेटिक बैलेंस मिल जाए तो मैं उसमें जरूरी मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबी है ना? अब आपको दूसरा बैलेंस कहाँ से मिलेगा? इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन सिर्फ किताबी है कैप्टन। इसके कंपोनेंट्स तो मिल जाएंगे, काइनेटिक बैलेंस तो सालों से बुईज में इस्तेमाल होते आए। और आपको इस वक्त ऐसा बुई कहां से मिलेगा ल्यूटेनेंट? इलिनॉय में, वहां जोलियट नदी पर एक शिपयार्ड है जहां सूखी जगहों में बुईज रखे गए हैं। क्या उस पुर्जे को पहचाना और निकाला जा सकता है? जी सर, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है ल्यूटेनेंट, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहां हो और तुम क्या निकाल रहे हो। ठीक है, समारोह तुम्हारे साथ जाएगा। मैं एक सी ड्रैगन तैयार करवाता हूं और तुम फौरन निकलो। सर, थैंक यू, थैंक यू। और ल्यूटेनेंट, अब नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं। जी सर। सच में जॉन, जॉन मैंने 3 बार सब चेक किया था, मैंने सब ध्यान से देखा था, पर सब इतना जल्दी करना था, मेरे पास वक्त नहीं था। लेकिन पता नहीं मुझसे गलती कहां हुई, मैंने सारे कनेक्शन चेक। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ। अब मेरे वापस आने से पहले तुम उस खराब कनेक्शन का पता लगाकर उसे रिपेयर कर देना। यस सर। करो। ओके, करता हूं। तुम कहना क्या चाहती हो? हम बच तो जाएंगे पर जिंदा नहीं रह पाएंगे, तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे पास जो कुछ बचा है उसके साथ इंसान दुनिया में कुछ ही सालों तक जिंदा रह पाएंगे, तो बेसिकली हाँ, बिना ढेर सारे मौत के सैंपल के इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लोकेशन क्या है? 8 degrees नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। हम करीब 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे। वो रहा। हेलीकॉप्टर नीचे लो। ओके, छत पर उतरेंगे, फिर सीढ़ियों से नीचे 50 मीटर वेस्ट 20 मीटर साउथ 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तैयार हो? या लेट्स गो। ठीक है, चलते हैं।
हम अंदर कैसे जाएंगे? इसका एक 4-key कोड है जो वॉलिस ने हैक किया है। कहाँ है वो? लो मिल गया, देना जरा। यहां जो करना था कर लिया, आप चलो निकले। लगता है एग्जिट कोड एंट्री कोड से अलग है। हो गया। वो ये तुमने कैसे किया? दिमाग लगाया। ऑफिसर्स, आप यहां कैसे? सॉरी दोस्त, चलो जल्दी निकले। कम ऑन, चलो, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, कम से कम हम कामयाब तो हुए। शायद। शायद मतलब? मैं उस पे वापस नहीं जाने वाली। हमें एक गाड़ी ढूंढनी होगी और यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये क्या था? जमीन फट रही है, भागो जल्दी। ऐसा मत सोचो, हमें यहां से बाहर निकलना होगा बस, ठीक है? तुम लोग ठीक हो? तुम्हें क्या हम ठीक लग रहे हैं? हमें सेंट लुइस जाना है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन सेंट लुइस में क्या है? एक बोट, एक बहुत बड़ी बोट, वो हमें बचा सकती है। अगर आपने हमारी मदद की तो हम आपको भी साथ ले चलेंगे। मेरी फैमिली को भी साथ ले चलोगे तो चलूंगा। ओके ठीक है, तो चलो। रुको रुको, ये सब लोग कौन हैं? ऑर्गन टाउन का हर इंसान मेरी फैमिली की तरह है, अब सिर्फ इतने ही बचे हैं। काश वो बोट बड़ी हो। सही कहा, चलो चलते हैं।
ओके, बताओ क्या हुआ, क्या बात है? हम जरूरत की हर चीज नहीं ला पाए, बहुत कुछ वहीं रह गया। क्या हुआ मास्टर्स? सर, सैंपल जमा करते वक्त वहाँ अचानक साइक्लोन आ गया। डॉक्टर निकोल की चीजें ढूंढने से पहले ही हमें वहाँ से निकलना पड़ा। आप क्या क्या ला पाए? बहुत कुछ लाए हैं, पर फिर भी कुछ जरूरी स्पीशीज मिसिंग है। जैसे क्या? जैसे कि मोल्ड्स, फंगस, स्पोर्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की एक पूरी रेंज मिसिंग है एडमिरल। ठीक है, सबसे जरूरी स्पीशीज कौन सी हैं? इंसेक्ट्स की। तुमने कहा था मधुमक्खियां जरूरी हैं, क्या उसके सैंपल्स लाए हैं? लाए थे, वो उस कैनिस्टर में थे जो मेरे हाथों से गिर गया। क्या वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है? हाँ, मधुमक्खियाँ पौधे पॉलिनेट करती हैं, वही पौधे हम खाते हैं, वही जानवर भी खाते हैं, फल, सब्जियाँ, नट्स। बिना मधुमक्खियों के हम इस बार से तो बच जाएंगे, पर हम एक पूरे देश को खिलाने के लिए काफी फसल नहीं उगा पाएंगे। ये बताओ, हम उन्हें कहाँ से लेकर आए? कहीं से नहीं, वो ट्रेन हमारी इकलौती उम्मीद थी। और अब आखिरी चारा ये है कि हम मधुमक्खियों के नेचुरल हैबिटेट में जाकर सैंपल्स ले आए, पर करीब डेढ़ हफ्ते से वो भी सारे बारिश में बह चुके होंगे। हो सकता है वो गुफाओं में हो। हाँ, हो सकता है उन्होंने किसी गुफा में शरण ली हो, अगर वो जमीन से दूर और बाढ़ के पानी से ऊपर हो तो। ओके, फिर ये काम कैसे करोगी? हमें पहाड़ियों के पास वाली गुफाओं को ढूंढना होगा, और फिर हमें बस छतों का पता लगाने के लिए एक थर्मल इंडिकेटर डिवाइस चाहिए। ठीक है, आपके केबिन के सामान में देख लो, जो चाहिए वो वहाँ से मिल जाएगा। और सर, स्वी ड्रैगन से बात नहीं बनेगी, तूफान बढ़ता ही जा रहा है, हमें WC-130 जैसा कुछ चाहिए होगा, शायद कोलोराडो स्प्रिंग्स के FB में एक होगा। हम ड्रैगन में वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से उसमें नॉर्थ की ओर चले जाएंगे। इन सब में कितना वक्त लग जाएगा? मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम्हारे पास दो दिन है। क्या? नहीं, यहाँ पर डेडलाइंस किसी काम की नहीं है। अगर सैंपल्स नहीं तो समझो कुछ भी नहीं, हम उनके मिल जाने तक वापस नहीं आ पाएंगे। देखो, कोलोराडो स्प्रिंग्स को रेडियो करके फायदा नहीं होगा, बस तुम्हें स्टैटिक ही सुनाई देगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सारा जरूरत का सामान ले आओ, फौरन मोटर पूल पहुँचो और एक घंटे में निकल जाओ। मुझे पहले इन्हें प्रोसेस करके इन्हें ढंग के कूलिंग यूनिट्स में डालना होगा। मैं ये करवा दूंगा। और जॉन, उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे फिर जाना पड़ रहा है, वो वजह जानना चाहेगा। मैं उसे बता दूंगा। मास्टर्स, थैंक यू सर। एक प्रॉब्लम आ गई है। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकती, हमें अंदर जाने दो। मैडम, आप जहाँ से आई हैं वहीं लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। हम सब सच जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मैडम, पता नहीं आप किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आप अपनी कार में वापस जाइए। चुप करो, चुप करो। इसका बॉयफ्रेंड तुम में सही है क्या? कोलोराडो में उसने ही हमें आर्थ के बारे में बताया और कहा था कि कोई लकी ड्रॉ होगा। उन्हें अंदर खबर करो। ठीक है। अजीब बात है कि मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती थी, उससे बड़ी शांति मिलती थी। अब देखते हैं 6 महीने बाद तुम क्या कहोगे। हाँ, लगता है कि 6 महीने तक रहेगा ये बारिश का मौसम। लगता है तुम्हें नींद की जरूरत है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो। मैं सोच ही रहा था आप आए क्यों नहीं। जॉन, तुम इस सब का एक जरूरी हिस्सा हो, पर
उतना ही हो, सिर्फ एक हिस्सा। ये जगह मेरी जिम्मेदारी है और मैं हर वक्त हर कहीं नहीं रह सकता। मुझे यकीन है तुम्हें टेसा के असाइनमेंट की खबर मिल गई होगी। हाँ मिल गई है। क्या तुम बैलेस्ट को मॉडिफाई कर पाए हो? ये कुछ ज्यादा ही पुराना है और हमें इसमें काफी मॉडिफिकेशंस करने पड़े, पर काम हो गया है। अब बस कनेक्शंस कर रहे हैं। ये काम करेगा? बदलाव तो काफी किए हैं, लगता है ये काम करेगा सर। इसे करना होगा। अगर पानी में एक भी टरबाइन खराब हुआ तो हम तूफान की चपेट में आ जाएंगे, लहरें हमें नीचे खींच लेंगी। खैर, अगला टेस्ट कब करने वाले हो? कल सुबह। एक्सलेंट, एक्सलेंट। सुनो जॉन, मुझे उसे भेजना ही पड़ा, एक वही है जो ये मिशन पूरा कर सकती है। तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए। इन मैप्स के मुताबिक वो पानी से भरी घाटी एक बागान था। बागान में मधुमक्खियां होती हैं। उन वाटरफॉल्स का क्या? वो तो पहाड़ियों के पीछे बन रहे तालाबों से आ रहे हैं। पानी के दबाव से कुछ पहाड़ियां टूट सकती हैं, पर जब तक पानी बह रहा है हमें कुछ नहीं होगा। ओके। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा ही लगता है। Come in. Ah, Lieutenant. मैं आपको आपके मिशन की बधाई देना चाहता हूँ। मिस्टर ट्रेविस का काम करवाया, सब ठीक रहा, जो चाहिए वो मिल गया। गुड जॉब। थैंक यू सर। अगर इंसानियत जिंदा रही तो आपकी एहसान मंद रहेगी। नहीं सर, अगर हम बच गए तो वो आपकी बदौलत होगा। वैसे ये क्या है? ये सेंट लुइस से आया सर। ये आर्क साइट के इंटरनल कम्युनिकेशंस का ट्रांसक्रिप्ट है। बेस कमांडर ने इसे एक डिस्ट्रेस सिग्नल के साथ भेजा था। उनसे और क्या क्या पता चला है? सेंट लुइस के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है सर। असल में हम सिर्फ डेनवर साइड से ही कांटेक्ट कर पा रहे हैं। गुनहगार को सजा मिलेगी। क्या तुमने उसका पता लगाया है? मुझे उसका नाम चाहिए अभी। ये जगह मुझे कुछ सेफ नहीं लग रही। हाँ, हम जरूर एक तालाब के नीचे हैं। अगर मधुमक्खियां यहां हैं तो वे किसी सूखी जगह में होंगी, पर यहां तो मुझे उस तरह की कोई जगह नहीं दिख रही है। जानती हूं। देखो, वो हमने ढूंढ लिया। और उस तक पहुंचेंगे कैसे?
पता नहीं, लगता है मुझे ही चढ़ना होगा। ठीक है, संभल कर। फिक्र मत करो। साइक्लोन? नहीं, झटका तो ऊपर से आ रहा है। चट्टान टूट रही है, निकलो यहाँ से। नहीं, पर हमें ये ले जाना होगा। जल्दी करो। चलो आ जाओ जल्दी। चलो चलो जल्दी अंदर आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो 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 चलो। टायलर जल्दी करो, जल्दी अंदर आ जाओ। चलो जल्दी निकलते हैं। टायलर मेरा हाथ पकड़ो। टायलर हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें पता भी है इसे उड़ाते कैसे? देखते हैं, उड़ाना तो होगा ही। खुद को संभालो। तुम ठीक हो ना? टाइलर और वेलकर को बिना वजह जान गंवानी पड़ी। बिना मधुमक्खी के सैंपल के हम सबके लिए कोई उम्मीद नहीं बची। हेलो फ्रीमन। एडमिरल, सब कुछ ठीक तो है ना? जरा मेरे साथ चलोगे प्लीज? तुमने पिट्सबर्ग फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड अमांडा को सेंट लुइस साइट के बारे में बताया था, है ना? और उसने उस बात का बवाल मचा दिया, अपने साथ 1000 लोग साइट पर ले आई। वो सभी लोग अंदर जाना चाहते थे। सर, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा जो सेंट कुछ लुइस साइट तबाह हो चुकी है फ्रीमन। तुम्हारे लोग, हमारे लोग, अब कोई नहीं रहा, शायद कोई नहीं बचा। नहीं, ये कैसे? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें शूट नहीं कर रहा। लो, इसे रखो। ये क्या है? तुम भी बाकी सबकी तरह अपनी किस्मत आजमाओगे। वैसे तुम इतने के भी काबिल नहीं हो। ये अचानक रखो इसे। सर, मुझे एडमिरल से एक मिनट बात करनी है। एक सेकंड बस। कुछ बताना है। बताओ। शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। बात क्या है? देखो, हनले में हेलीपैड्स तो हैं, पर वहां रनवे नहीं है। इंटरकॉम सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं और प्लेन में फ्यूल कम है। अगर हमने डेनवर का पता लगा लिया तो मैं वहां से हनले तक प्लेन उड़ा लूंगी, पर हम किसी भी हाल में वहां लैंड नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो तुम बेस ढूंढ लोगी पर लैंड नहीं कर पाओगी, तो नहीं नहीं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है? नहीं, हम इस प्लेन से कूदने नहीं वाले। सुनो, हम अंदाजे से करीब से कूदेंगे, हम पैराशूट को ज्यादा से ज्यादा पकड़ेंगे, ये मुमकिन है, मैंने पहले भी किया है। पर मेरे हिसाब से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम कूदो या फिर ओह माय गॉड, मुझे डेनवर दिख गया। यानी अगर डेनवर पानी में है तो सब कुछ पानी में है। सब तैयार है? यस सर। ठीक है, शुरू करो। लेकिन हमें फ्रीमैन को नहीं, तुम शुरू करो लेफ्टिनेंट। मैं बैलेस्ट ऑन कर रहा हूं, जनरेटर्स ऑनलाइन है और टरबाइन चार्ज हो रहा है, काम कर रहा है। गुड, उम्मीद करो ये ऐसे ही चलता रहे। और क्या काम बाकी है? अब हमें टरबाइन वापस उनके कंपार्टमेंट्स में डालना है और आग के पावर ग्रिड से उसे जोड़ना है। बस मैडी के तैयार होने की देर है। तुम तैयार हो मैडी? सर, अभी हम टर्बाइन हाउसिंग्स और स्लॉटेड हल पैनल्स पर काम कर रहे हैं। हम करीब हैं, पर अभी भी बहुत काम बाकी है। ये बताओ कितने दिन लग जाएंगे? 6-7 दिन का। हमारे पास 6-7 दिन नहीं है मैडी, जल्दी जल्दी काम को पूरा करो। सर। हाँ, क्या जैसा की कोई खबर आई? नहीं। काफी वक्त हो गया सर। मैं आपकी फिक्र समझता हूँ। डॉक्टर निकल्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है? अपने जज्बात को काम के बीच मत आने दो लेफ्टिनेंट, इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। काम करो। अगर मैंने उसे ज्यादा ऊंचाई पर खोला तो तूफानी हवाएं हमें उड़ाकर पहाड़ियों में ले जा सकती हैं। हम 1 मिनट से कम वक्त में जमीन पर होंगे, तुम इसके लिए तैयार हो? बाद में पूछना। ओके, 1, 2, 3। क्या प्रोग्रेस है? वेल, टर्बाइन्स लग चुके हैं, पैनल्स लगाए जा रहे हैं और वायरिंग आधी हो गई है। फ्रीमैन होता तो आसानी रहती, आपने उसे कोई और काम दिया है? फ्रीमैन को निकाल दिया गया है। निकाल दिया? इसका क्या मतलब हुआ? उसकी वजह से सेंट लुइस साइट में भारी गड़बड़ी हुई, शायद वो तबाह हो गई है। सेंट लुइस? पर वो है कहाँ? आपने उसे कहाँ भेजा है? मैंने उसे डेनवर लॉटरी में किस्मत आजमाने के लिए भेज दिया। पर वो मर जाएगा या फिर शायद बच जाएगा। मैडी से पूछो। मैडी, मैडी, मेरी फैमिली को भी सेंट लुइस साइट दी गई थी। मेरे पेरेंट्स और भाई भी वहीं पर थे।
तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम बेस से और कितनी दूर हैं? ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर। हेलो लेडीज, कहाँ जा रही हो? बेहतर होगा हमें जाने दो। ओ जरूर, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। वैसे अगर तुम चाहो तो हमारे साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी कर सकती हो। बकवास बंद करो। ऐसा क्या? तुम्हारी ये अदा भारी पड़ेगी डियर। तो फिर अभी पता चल जाएगा। चलो दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं। ये बताओ तुम कौन हो? कोई और होता तो शायद पहले थैंक यू कहता। थैंक यू, थैंक यू। फालतू की बातें बंद करो, ये बताओ तुम कौन हो? एक और बंदा जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा नाम राल्फ है। मैं तुमसे तुम्हारी पहचान पूछता पर तुम्हारा यूनिफॉर्म देखकर कह सकता हूँ कि तुम हनली जा रही हो। हाँ। और तुम्हारी अर्जेंसी को देखते हुए कह सकता हूँ कि वहाँ पहुँचने की कोई खास वजह है। हाँ, वहाँ हम सब बच सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मैं लूंगी, उन्हें सब कुछ समझा दूंगी। चलो आप हमारे साथ चलो। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। कोई बात नहीं, वो भी आ सकते हैं, सबके सब। तो ठीक है, चलो चलें, चलो। काफी अच्छा है मैडी। पर समंदर में टिक पाएगा? एक बार हम उन पैनल्स को टरबाइन कंपार्टमेंट्स पर सील कर देंगे तभी समंदर में टिकेगा। क्या टरबाइन्स को लगा दिया गया है? जी सर, जॉन अभी वहीं पर वायरिंग का काम पूरा कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? एडमिरल, प्लीज अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहिए हथियार वाले एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है। पहले पता चले ये लोग कौन है उसके बाद। ये पैसेंजर्स हैं। पर तुम ये कैसे कह सकती? क्योंकि मैं इन्हें जानती हूँ। इन्होंने लिन और मुझे बचाया है, यानी हम सबको बचाया है। तुम कामयाब हुई? हाँ बिल्कुल। लेफ्टिनेंट, इन सब के लिए क्वार्टर्स का इंतजाम करो। यस सर। मेरे साथ आओ। सब लोग इस तरफ। एडमिरल, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। डेनवर पानी में डूब गया है सर। इतना ही नहीं, पानी का लेवल पहाड़ियों से भी ऊंचा होता जा रहा है और जल्द ही वो पहाड़ियों को चीरता हुआ आगे निकल जाएगा। पहले जरूरी काम, अपने गीले कपड़े बदल लो और उन सैंपल्स को फॉरेन कूलिंग यूनिट्स में डाल दो। जी सर, पहले जरा जॉन से मिल लूं। डॉक्टर निकल्स, आपका हस्बैंड अपना काम कर रहा है और आप भी वही कीजिए। और अगर आपके हिसाब से वक्त भी कम है तो हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी सर, जल्दी कीजिए। टेसा, तुम ठीक हो? अगर मैं कहूं ये सब थकान की वजह से हो रहा है तो? ये मानना थोड़ा मुश्किल है। कितने महीने हो गए? 2.5 महीने। तुम तो वाकई बहादुर निकली। चलो चलें। कहाँ? मैरी ने आंख पर कूलिंग यूनिट सेट कर दिए हैं। चलो। Thank you.
चलो चलो जल्दी यहाँ से निकलो, उस तरफ जाओ, उस तरफ जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जॉन कहाँ है? जाओ जाओ जाओ। ये इवैक्यूएशन अलार्म है। ल्यूटेनेंट, उन टर्बाइंस को शुरू करो, हम लॉन्च कर रहे हैं। नहीं अभी नहीं, टेस्ला नहीं आई है। ल्यूटेनेंट, हमें इन टर्बाइंस को शुरू करना ही होगा इसी वक्त। स्टेटस ऑनलाइन। कंपार्टमेंट्स में पानी भर रहा है सर। टर्निंग सर। पावर सेल्स चार्ज हो रहे हैं सर, और टर्बाइन स्टार्ट हो गए। प्रोपेलर स्टार्ट करो, हमें इसी वक्त निकलना होगा। दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम तैयार हैं। कितने लोग अंदर आ पाए? करीब शायद करीब 900 लोग। किसी भी हाल में आगे बढ़ना होगा। रुको, लॉन्च डोर अब भी बंद है। यहाँ से नहीं खोल सकते, उसे तोड़ कर निकलना होगा। चलो आगे बढ़ो। तैयार हो जाओ। सोनार पर समंदर के बढ़ते लेवल को चेक कर रहा हूं। कैप्टन, कुछ ही दूरी पर एक ऊंची पहाड़ियों का समूह आने वाला है। समंदर का लेवल हमें उसे पार कराने के लिए काफी नहीं होगा। अगर हम जल्द ही गहरे पानी में नहीं पहुंचे तो ये चट्टानें हमारे टुकड़े कर देंगी। ये बहुत ही मजबूत है, हमने इसे हर चीज के साथ टेस्ट किया है। क्या तुमने इसे पहाड़ियों से टकराया था? जॉन, टेसा, ओह थैंक गॉड। क्या तुम सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, हम ठीक हैं। अब बस भी करो, काम करना है। चलो। टरबाइन को नुकसान हुआ है सर। क्या वही लाल वाला? ओट्स, क्या हुआ है? पैनल डैमेज हो गया है सर। क्या पानी अंदर आने लगा है? अगर सिर्फ टरबाइन पैनल टूटा है तो डरने की बात नहीं है, कंपार्टमेंट अंदर से सील किया गया है। ओट्स? ऑफ कोर्स सर, सिर्फ पैनल ही टूटा है, बाकी ठीक है। और टरबाइन का क्या? टरबाइन शुरू कर रहा हूँ, पहली कोशिश नाकाम, फिर से शुरू कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। कोर्ट प्रोपेलर की रफ्तार घट रही है, सिस्टम आधे पार पर चल रहे हैं। क्या हम दूसरे टरबाइन से पावर ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और हम तब भी आधे पावर पर ही ऑपरेट कर रहे होंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है?
हमें कहीं पहुंचने की जल्दी पर प्रॉब्लम यह है कि कुछ लहरें हमसे भी पड़ी हैं। अगर हमने उस टर्बाइन को शुरू नहीं किया तो हमें तूफान के भरोसे रहना होगा। टर्बाइन खराब हो गया है, ये तय है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये तय है? ये तय है का मतलब है कि हमारी खैर नहीं है। बिना पावर के इतनी बड़ी आग का कोई मतलब ही नहीं। मुझे पता है, पर हम सिर्फ जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स चला रहे हैं और हम लगातार चलते हुए टर्बाइन से पावर रीराउट करने में लगे हैं और अभी हम जिंदा हैं। कैप्टन ब्रिजेस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। उनसे कहो पोर्ट टर्बाइन खराब हो गया है पर हमने दूसरे वाले को रिवायर कर दिया है। प्रोपेलर्स अब सिर्फ आधे पावर पर काम कर रहे हैं। सेल लग गया है पर एक सेल खुल गया है, कभी भी टूट सकता है। वो टिकने वाला नहीं है। तो मैं कैप्टन से क्या कहूं? उनसे कहो टर्बाइन किसी काम के नहीं है। देखो अब कुछ और ट्राई करना होगा और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। लगता है हम अभी डेनवर के ऊपर हैं, जो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। उम्मीद है डेनवर आर्क लॉन्च हुआ होगा। टर्बाइन्स चल नहीं रहे, सेल फट गया है। अब हम पूरी तरह तूफान के भरोसे हैं। कैप्टन, हम इस वक्त डेनवर आर्क साइट के ऊपर हैं। आर्क कहीं नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो बिना टर्बाइन्स के पहाड़ियों को पार कर पाए होंगे। बस उम्मीद ही बाकी है। ये क्या है? ये हमारी आखिरी उम्मीद है। क्या ये सेल्स हैं? ये स्टील वूल और पॉलिएस्टर स्क्रिम से बनी कैनपीज हैं। ये फटती नहीं है। हमें सेल पर चढ़ना होगा। हम इन कैनपीज का इस्तेमाल करके सेल के छेद को बंद कर देंगे। काम खतरनाक है पर हम कर सकते हैं। रुको, हम कर सकते हैं से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें तीन लोगों की जरूरत है। बोलो कौन आएगा? मैं चलूंगा। और मैं भी। ओके, जैसे ही हम सेल को बांध देंगे मैं तुम्हें एक सिग्नल दूंगा, तुम ब्रिजेस को सेल से डिसएंगेज करवा देना। मेरे जाने के बाद तुम मुझे सेल दे देना। ठीक है। आकर 805 लोग आर्क में हैं। 40 मामूली चोटों के लिए क्लिनिक में भर्ती है। क्या एडमिरल उन पैसेंजर्स में हैं? नहीं कैप्टन, वो आर्क पर चढ़ ही नहीं पाए। कैप्टन, हवा का बहाव तेज हो रहा है।
गॉड। क्या हुआ? अचानक हवा तेज हो गई। ये जिंदा तो है? जिंदा तो है पर हालत खराब है। अरमाटो नहीं रहा। ओह नो। कैप्टन, लेफ्टिनेंट अरमाटो सेल्स को ठीक करते हुए मारे गए। ऐसा अब कैसी है वो? अभी भी बेहोश है पर पिछले 24 घंटों में उसकी हालत में सुधार तो हो रहा है। अभी मैडी उसके साथ है। यहाँ सब कैसा चल रहा है? हाँ ठीक ही चल रहा है। ज्यादा पावर तो नहीं है पर सब कंट्रोल में है। एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों एक मिनट के लिए क्लिनिक चलेंगे? क्यों, सब ठीक तो है ना? चलिए दो। क्या बात क्या है मैडी, जान जाओगी? Oh my God, Lynn, Lynn, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, जिंदा हूँ। इनको बस थोड़ी सी कमजोरी है पर जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ, तुम काफी घंटों से बेहोश थी। और मैं तो कहाँ है? I'm sorry, Lynn, पर वो बच नहीं पाया। नब्स कैसी है? अच्छी है, स्ट्रॉन्ग। सर, आगे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। फिर भी हमें आगे बढ़ना है। आर्क टकराने वाला है। थ्रस्टर्स रिवर्स करो। कैसा था? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ कैप्टन? एक बहुत बड़ी लहर ने हमें अंदर की ओर धकेल दिया। अब हम पहाड़ियों की चोटी के बीच अटक गए हैं। हमने आगे पीछे जाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं। ये आवाज कैसी? टक्कर जोर की थी, शायद पहाड़ी ऊपर आ गई है। वो किसी भी वक्त टूट सकती है और उससे हम डूब भी सकते हैं।
हमें किसी भी कीमत पर खुद को आजाद करना होगा। पर हम ये करेंगे कैसे? किसी तरह का धमाका करना होगा जिसमें बहुत सारी ताकत हो, जिसके लिए एक्सेलरेंट चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तुम डीएनए सैंपल्स को किससे ठंडा रखती हो? इथाइल क्लोराइड रेफ्रिजरेंट से। कितने टैंक्स हैं? लगभग 4 यूनिट्स हैं। इतने काफी होंगे? काफी नहीं, बहुत है। एक यूनिट ही काफी है। सिर्फ एक यूनिट तो हम एक चौथाई सैंपल्स खो देंगे। ये सब कुछ खो देने से तो बेहतर ही होगा। ओके ठीक है, मुझे बस कुछ चीजें रीअरेंज करनी होंगी। देखना होगा कि जरूरी सैंपल सेफ रहे। बहुत अच्छा। जैसे तुम जल्दी से होल बनाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, जल्दी करना है। चलो चले। किसी ने सोचा है कि वाकई में काम करेगा या नहीं? नहीं, वैसे भी सोचने से क्या फायदा होगा। लाइन जला दो। चल पड़े हैं सर। बहुत अच्छे। क्या हम लोग जिंदा हैं? लगता तो है। चलो यहां से निकले। समंदर शांत हो गया है सर।
क्या बात है। जाओ क्रू को फौरन बाहर आने के लिए कहो। क्या बात है कैप्टन? ये खूबसूरत नजारा कितने दिनों बाद दिख रहा है। One, come in. Arc One, कोई सुन रहा है? मैं कैप्टन ब्रिजेस बोल रहा हूँ। मैं किससे बात कर रहा हूँ? कैप्टन ब्रिजेस, फ्रीमैन बोल रहा हूँ। फ्रीमैन जिंदा है? क्या आप ठीक है? तुम अभी कहाँ हो? मैं डेनवर आग में हूँ। हम अभी बाकी लोगों के साथ कैंसस पर हैं। बचे हुए लोग? यस सर, सारे आग्स तो नहीं चल पाए, पर हमारे साथ हैं ब्लोइंग रॉक, लॉस एलमोस, मिनियापोलिस। मिनियापोलिस, मेरे पेरेंट्स, तुम्हारी मॉम। मुझे लगता है एडमिरल वॉलेस ने उन्हें वक्त पर पहुंचा दिया था। क्या और भी कोई बचा है? क्या वहाँ मैडी है? मैं यहीं पर हूँ। सेंट लुइस आग भी बच गया। खबर मिली है कि तुम्हारे परिवार के काफी लोग हैं उसमें। थैंक गॉड। हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे। Huh.